पगड़ी ही नीचे रख दिया उनने। चाचा जी नॉट कमिंग स्लो, ओ माय गॉड, वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा उरूज और मेरे साथ इस वक्त जमान पार के बाहर बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये इंग्लैंड से खुसूसी तौर पर इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, को तराना भी सुनाना चाहते हैं। पहले इनसे बात करते हैं और फिर इनसे तराना भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? इंग्लैंड से। कौन से शहर से? ईस्ट लंदन से। अच्छा, क्या वजह है इधर? क्या वजह है यहाँ आने की? ये बस इसे इमरान खान की खातर है, ये अच्छा आदमी है, ये मुल्क को लेकर चला। पहले जाहिल लोगों से पैसा कमाया, कोई पूछने वाला नहीं था। पहले जहालत थी, अभी लोग पढ़े लिखे शुरू है लोगों में, कैसे चलेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये तो कहते हैं कि लोग जो कमा रहा, कभी जरदारी ने बारी लगाई हुई है तो कभी इसने नवाशन ने, ये बारी, ये मेरे से गाड़ी रंग कराता था, उसमें मेरा बेटा अभी जो 40 साल का, वो 1 साल का था। मेरे साल में बोला बाकी जना मैं साल का नया, तुम नारे मारोगे। मैं कहना क्यों? मैं कहा आज ये किसी का घर बर्बाद कर, कल मेरा भी होगा, मैं ऐसा काम नहीं करता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप खान साहब को सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड से यहाँ पे आए हैं, इंग्लैंड में आप क्या करते हैं और अपना रोजगार छोड़ के कितने दिनों से यहाँ पर हैं? मैं 1 महीना हो गया अपना रोजगार छोड़ा अपना, मैं इंग्लैंड में फ्रूट मंडी में काम करता हूँ, लिटन शहर में, जिधर वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो तो मेरी फ्रूट मंडी लिटन शहर में थी। जब वर्ल्ड कप हुआ था आपकी उस वक्त इमरान खान से मुलाकात हुई थी? नहीं, मैं उधर ही था उस वक्त, इसने शादी की हुई थी। जब शादी की तो उस समय मैं इसका 1 रुपये का जो कार्ड था हमने 10 रुपये, इसने बोला कैंसर अस्पताल बनाऊंगा और मैं फ्री गाड़ा करूंगा। बस ये इसने गलती की है कि लोगों को सुना 1.5 लाख रुपया लेता है, टिकट कटाओ तो फिर अंदर जाना था, ये इसकी बेवकूफ़ी है। फिर भी हम इसको साथ देने आए, चलो ये पढ़ा लिखा कुछ ना कुछ सोचेगा। आपको मिलने नहीं दिया गया? नहीं, मुझे मिलना तो नहीं दिया, मैं आप खुद नहीं मिलना, मैं इसके साथ साथ जो कह रहे हैं पुलिस आती है ना तो मैं टेंशन हो जाता हूँ। पुलिस का मुकाबला करेंगे? मैं क्या आर्मी में आया उसका भी करूँगा मैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कोई तराना सुनाना चाहते हैं खान साहब के लिए, क्या गाएंगे? एक आपको मैं गेम और बता सकता हूँ, वो आप देख लें फिर मैं गाना सुन लें। ठीक है। पगड़ी ही नीचे रख दिया उनने। चाचा जी नॉट कमिंग स्लो, ओ माय गॉड, वाह 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 वाह। अच्छा, मैंने इनसे ये सवाल पूछा था कि पुलिस को रोकेंगे क्या अगर खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, तो इन्होंने ये फिर ये परफॉर्मेंस मुझे करके दिखाई है पूरी। इधर आ जाएं वापस अपनी जगह पे, मतलब फुल एनर्जी के साथ तैयार हैं, सुना क्या रहे हैं? ये नूर जाएगा तराना सुनाए। ये मैं पकड़ पुत्र हटा दे नहीं विकदे तकी लपनी विच बाजार कुड़े, ऐ पुत्र हटा दे नहीं विकदे तन पाग न ओन माव दे जिन गोदड़ी वीर खड़ाए ने, ऐ पुत्र हटा दे नहीं विकदे तन पाग न ओन पेड़ दे जिन गोदड़ी वीर खड़ाए ने, ऐ पुत्र हटा दे नहीं विकदे, ऐ सौदा नगदी भी नहीं विकदा तो तू लभदी फिर खुदारी हो रे, ऐ पुत्र हटा दे नहीं विकदे। क्या उम्र है आपकी? 69। अच्छा, 70 होने वाली है। तो ये इतना जज्बा, जोशो जज्बा, ये सांस चढ़ गया था या फिर सेंटी हो रहे हैं? नहीं बोलो, काफी दिन में जेल कट गया, झगड़ा किया एक आदमी के साथ, उसने 10 दिन अंदर दे दिए, 5 लाख रुपया लगा आने का, इधर आके अंदर हो गया था, मैंने उसको मारा था, फायर मार दिया था। क्यों? बस उसने मुकबरी की थी मेरी। अच्छा, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं खान साहब के चाहने वालों को, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी का इम्कान है? उनको बोला कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम जेल तोड़ के भी आ जाएंगे। हम आर्मी से सलाम करते हैं, बड़ी इज्जत करिए, मैं खुद आर्मी का बागा हूँ, मेरी 2 साल सर्विस है। सन 1977 में मैं घर से निकला, 21 मेरी उम्र थी, जब से मैं मस्कत दुबई मेरा कारोबार था। अभी मेरे हम 7 भाई थे, 6 मेरे फौत हो गए हैं, 2 बहनें फौत हो गए, हम 10 बहन भाई थे, अकेला बहन भाई रह गए हैं। सिर्फ मैं बचपन का शौक था मुझे गाने का, ये कला बाजी, एक्सरसाइज करने का, फैट करने का, अगले गोली मारे मैं ये मुक्का मार के आदमी उड़ा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया।